जय भोले सेवा समिति द्वारा चलाया जा रहा वृक्षारोपण गंगा अभियान के तहत वृक्षों का रोपण किया गया। हरदोई जय भोले सेवा समिति ने वृक्षारोपण गंगा अभियान के तहत हरदोई शहर कोतवाली प्रांगण में किया। वृक्षारोपण समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम पूज्य देवी दिव्यता ने बताया कि पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए मानव कल्याण को लेकर ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। जब तक 2,00,000 वृक्ष पुनर्तः वृक्षारोपण नहीं हो जाता है, लगातार ये मिशन सुचारू रूप से चलता रहेगा। संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र राठौर ने संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश में 2,00,000 पेड़ का रोपण किया जाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर आज शहर कोतवाली प्रांगण में पेड़ों का रोपण किया गया। इस मौके प्रदेश अध्यक्ष रेखा कुशवाहा ने कहा कि समिति द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा वृक्षारोपण अभियान बहुत ही सराहनीय है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका धर्म है, क्योंकि आज पर्यावरण को उजाड़ने के लिए कटान आदि माध्यमों से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। अगर आज हम सब नहीं जागे तो समस्त मानव जाति के लिए घातक सिद्ध होगा। प्रभारी निरीक्षक ने कहा समिति द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। संस्था जिलाध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता ने कहा कि समाज को एकजुट होकर इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जिला उपाध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने पेड़ उपलब्ध कराकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और कहा कि आने वाले आगे समय के लिए हम सब कुछ ऐसा करते चलें जिससे हमारे देश का वातावरण व पर्यावरण शुद्ध हो सके। सभी ने संकल्प लिया कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब गांव-गांव जाकर 2-2 पेड़ का रोपण अवश्य करेंगे। इस मौके पर राम सेवक श्रीवास्तव, रेखा कुशवाहा, सुमन सिंह उपाध्यक्ष, मधु कुशवाहा, संदीप श्रीवास्तव, ब्रजेश गुप्ता, प्रतिभा कुशवाहा आदि मौजूद रहे। हरदोई से संवाददाता विकास सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।